लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश की राजनीति किसी शतरंज की बिसात जैसी नजर आ रही है, जहां पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के दो ऐसे प्रमुख जिले हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं कि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने को तैयार ही नहीं है। उन दो प्रमुख जिलों में से एक ने तो पिछले कुछ दिनों से खूब बवाल मचाया हुआ है। भैया, हम बात कर रहे हैं कैसरगंज सीट की, जो सिर्फ एक हाई प्रोफाइल सीट नहीं है बल्कि हाई प्रोफाइल नेता का गढ़ भी रहा है, जिनकी चर्चा ने इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट और वहां के बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का ऐलान करने पर फंसी नजर आ रही है। सबको उम्मीद थी कि इस बार कैसरगंज सीट अपना उम्मीदवार पा ही जाएगी, मगर इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। कैसरगंज का माहौल उम्मीद का नहीं बल्कि चिंता का है। बृजभूषण शरण सिंह, नाम तो आपने सुना ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे पिछले दो साल से भारत के कुछ शीर्ष पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि इन आरोपों के चलते उन्होंने अपनी चमक भले ही खो दी हो, मगर कैसरगंज सीट पर उनका आज भी काफी प्रभाव है और ये आंकड़े भी कहते हैं। 2019 के चुनाव को ही देख लीजिए, जिसमें इस सीट से उन्हें 260,000 वोटों से जीत मिली थी। वहीं उड़ती हुई खबर ये भी है कि इस सांसद के समाजवादी पार्टी के साथ अच्छे संबंध है। यही वजह है कि खुद अखिलेश यादव भी अब तक बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ खास टिप्पणी करते नजर नहीं आए हैं। 2008 में तो बीजेपी से निष्कासित होने पर उन्होंने सपा ज्वाइन भी कर लिया था, मगर फिर 2014 में वापसी कर ली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दुविधा भी लाजमी है, वरना तो खुद को बृजभूषण से दूर कर सकती है और न ही कैसरगंज के चुनावी लड़ाई में उनका साथ ले पा रही है। इस बीच आज WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्होंने टिकट को लेकर इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। चलिए हम आपको सबसे पहले उनका वो बयान सुना देते हैं। सर, क्या जब तक ये केस पेंडिंग तब तक टिकट भी पेंडिंग? सर, कई तरह की बातें चल रही कि आपके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, आप क्या परेशान वही है वही जो राम रच रखा वही है वही जो राम रच रखा बृजभूषण शरण सिंह का ये इशारा आखिर किस तरफ था, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर जानकारों की माने तो कैसरगंज सीट पर पांचवें चरण में मतदान होना है। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी शुरू के तीन चरणों के मतदान के बाद ही इस सीट पर फैसला करेगी। हो सकता है कि बीजेपी कैसरगंज से बृजभूषण को एक बार फिर मौका दे दे। वहीं चर्चा ये भी है कि बीजेपी कैसरगंज से बृजभूषण की पत्नी या उनके किसी खास को मौका देकर अपनी इस मुसीबत से छुटकारा पा सकती है। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।